भाई जिस जगह पे जो है आप आँख बंद करके भी पहुंच सकते हो, अब हम आपको लेकर चलते हैं कार्ड पे। लेकिन उससे पहले जो है एक बार आप कार्ड देख लो, कुछ इस तरीके का एकदम साधारण सा कार्ड है। और यहाँ भैया सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ज्योतिष कच्छप हो गया। और आपने इस कार्ड के बारे में बताइए, कितना टाइम? ये तो भैया मेरा अभी दिसंबर से लगा रहा हूँ। क्या टाइमिंग रहता है भैया आपका यहाँ पे? 4 से 10। 4 से 10, सातों दिन की कोई? सातों दिन खोलते हैं। बहुत बढ़िया। और इधर से फोटा कर लीजिएगा, क्या भाव? वो 100 रुपए प्लेट है भैया, 200 ग्राम। 200 ग्राम का 100 रुपया। और ये मछली कैसे? 30 रुपए पे, अंडे का 10 का है। और ये जो बना रहे दादा, ये चिकन टिक्का। अरे मसाला देखकर बड़ा बढ़िया लग रहा है। इसमें अदरक लहसुन मिर्ची यार, अब अपना घर का मसाला है, सब घर का मसाला है। इसमें लगता है साग डाल देते हैं वो टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए तो ये देख ले आपने, काफी बढ़िया सा दिख रहा है। और ये सब कैसे बनाते हैं, मतलब क्या तरीका है बनाने का? फ्राइड करते हैं कि? वो फ्राई करके बनाते हैं भैया। फ्राई करके बनाते हैं। अच्छा, तो ये सब जो है फ्राई करके बनाते हैं। एक बार जो है भैया हमको ना आप ये बताइए कि मतलब कैसे माइंड में आपके आया ये कि आप इस तरीके से जो नॉनवेज बनाकर खिलाया जाए? वो तो भैया देखिए, दूसरा काम करने से अच्छा अपना खुद का काम पकड़ लिए। अच्छा, तो मतलब इसके पीछे कहानी यही है कि आप जो है खुद का कुछ करना चाहते थे ना? दूसरा काम करते थे लेकिन अभी छोड़ दिए, दूसरा का अपना ही कर लिया। अच्छा, ये बढ़िया लगा। और भाई साहब यहाँ पे देखो बैक टू बैक क्या पैक हो रहा है, ये चिकन वाला टिकिया नहीं टिका। तो अब जो है हमको रेट बताइए भैया, इधर से फोटा कर लीजिएगा, क्या भाव है? वो 100 रुपए प्लेट है भैया, 200 ग्राम। 200 ग्राम का 100 रुपए। 30 रुपए पीस है। चिकन टिक्का 10 का है और लेग बीन्स 50। ये 50 का है? हाँ, 50। अरे विंग्स भी 50। अच्छा, एक बार थोड़ा विंग्स उठाइए ना हाथ में, उठाइए उठाइए या लेग उठाइए, दोनों। काफी बढ़िया सा साइज है, मतलब पूरा विंग्स है नहीं? हाँ। एक विंग 100 ग्राम का है, लेग भी 100 ग्राम। अच्छा, मतलब एकदम वजन भी 100 ग्राम वजन का है, वजन से नाप के दे। बहुत अच्छा। तो अब जो है यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं फोटा कलेजी का मेकिंग, की भाई कैसे किया जाता था। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो फोटा और कलेजी लिया जाता है और उसके बाद जो है पीस पीस छोटा छोटा किया जाता है। मतलब फोटा कलेजी गोटा ही लाते हैं ना? गोटा ही मिलता है, गोटा लाते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से छोटा छोटा पीस किया जा रहा है। और सारा जो है फोटा कलेजी कटने के बाद डल चुका है एक बर्तन में। सबसे पहले नमक, काला नमक, फिर आपका हो गया जीरा, धनिया, कलर का ग्राइंड करने के बाद फिर डालते हैं। अच्छा, जो है इसको मिलाया जा रहा है, ग्राइंड करने के बाद फिर डालते हैं। अच्छा, और ये अब संग तेल में जा रहा है। तो जो तेल यूज करते हैं क्या रहता है? सरसों तेल भाई। सरसों यूज करते हैं? बस सरसों तेल यूज करते हैं। रिफाइंड का कोई सीन नहीं? ना, रिफाइंड कुछ नहीं मिलेगा मेरे पास। अच्छा, सरसों जो है स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। और सरसों के तेल में यहाँ पे सारा फोटा कलेजी डाला गया। कितना देर लगता है इसको फ्राई होने में? बस 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएगा। और उस साइड पे जो है अपना फोटा कलेजी तो फ्राई हो रहा है, इस साइड पे जो है भाई साहब उसको तड़का लगाने का तैयारी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देख लो पैन में, ये जो है आपका चाइनीज कढ़ाई वॉक बोलते हैं, और इसमें सबसे पहले सरसों का तेल, कटा हुआ हरा मिर्चा, शिमला मिर्चा और कटा हुआ प्याज, और कुछ जाएगा इसमें कि मसाला जाएगा। और फिर जो है ये भी अपना काफी अच्छे से टॉस हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो फोटा कलेजी इसमें आ चुका है। और भाई यहाँ पे जो है ना इसको काफी अच्छे तरीके से एकदम जो है तेज फ्लेम पे भूंजा जा रहा है, और पूरा माहौल सुरसुरी वाला हो गया। मतलब मसाला वगैरह जो डला है पूरा उसका खुशबू फैल चुका है। और अब इसमें जाने वाला है गाढ़ा सा पेस्ट। पेस्ट पे मेरा जो नज़र काफ़ी देर से था, काफ़ी बढ़िया दिख। पेस्ट अदरक लहसुन मिर्ची भैया तेरे लिए। और उसके बाद इसमें गया सोया सॉस और क्या मेरा काला नमक, जीरा, सोया सॉस वगैरह डालने के बाद ये अच्छे से जो है फ्राइड हो चुका है। इसके ऊपर भी मतलब इसमें ऊपर से कोई हल्का फल्का पानी वानी नहीं जाता? नहीं, कुछ नहीं, कुछ पूरा ड्राई बनेगा। ये रेडी हो गया? रेडी हो गया। और अब
ये जाने वाला है। अच्छा, सखुआ का पत्ता रखते हैं क्या? हाँ, सखुआ पत्ता में। तो मतलब भाई साहब जो है अपना देसी पन भी यहाँ पे पूरा मेंटेन किया जा रहा है। और अब ये भाई साहब जाने वाला है अपना पत्ते के ऊपर और ये हो चुका है रेडी। तो गाइस अपना जो है पोटा कलेजी और चिकन का सारा आइटम बनने के बाद आ चुका है अपने टेबल पे। और ये देख लो यहाँ पे भाई साहब कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। मतलब जो भी बोलो ना, कलर मेरे को बड़ा ऑथेंटिक और बढ़िया सा दिख रहा है। पीस वगैरह हाथ पे उठा के दिखाएंगे। ये देख लो यहाँ पे विंग्स एकदम गर्मा गर्म देख रहे हो। और उसके ऊपर जो अरारोट डाला है वो भी एकदम हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये देखो मतलब छूने से आपको चिकन समझ में आएगा, देख रहे हो पका हुआ भी बढ़िया सा है। और उसके बाद यहाँ पे ये बड़ा वाला लेग पीस ये देखो बहुत अच्छा पका हुआ है।